में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी का प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के व्यापारियों और आम जनता को पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह पिछले सप्ताह से आप देख रहे हैं कि लगातार कि कोरोना के केसों में काफ़ी वृद्धि हो रही है और कल मंगलवार को 1500 के करीब केस जो है आए हैं और 4500 के करीब पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में आए हैं। और इसके देखते हुए प्रशासन ने पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन फॉर नॉन एसेंशियल आइटम के लिए लगाया था और हम जो है हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट जो है इस वीकेंड लॉकडाउन में फॉल नहीं करती क्योंकि हम एसेंशियल सप्लायर हैं। और लेकिन पिछले हफ्ते जब डिविजनल कमिश्नर साहब ने राघव लंगर जी ने व्यापारियों की बैठक बुलाई थी और उसमें कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए व्यापारियों का सहयोग मांगा था, उसको देखते हुए हमने कल ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस की एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी। उसमें सब सीनियर मेंबर ने एक मत फैसला लिया है और जितने भी हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे और मेरे वेयर हाउस के सीनियर मेंबर थे उस कमेटी में, उसने ये तय किया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे और सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन जो है वो ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस द्वारा लगाया जाएगा। और आपने सबने देखा होगा कि पहली लहर और दूसरी लहर में कोरोना की महामारी की पहली लहर और दूसरी लहर में ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस ने सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन लगाया था और आज आपके माध्यम से सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन का अनाउंस जो है ट्रेडर फेडरेशन द्वारा किया जाता है। ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट का एक ही मकसद है कि कोरोना की महामारी की लड़ाई में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना और आपस की सहयोग में मुकाबला करना, कोरोना की लड़ाई के लिए मुकाबला करना, ताकि हम आप सब जम्मू की जनता को किस तरह से हमें बचाया जाए वो हमने देखना जरूरी है। लेकिन आपके माध्यम से ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एसेंशियल सप्लायर हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी प्रोविंस के और कोई भी एसेंशियल सप्लाई का कट ऑफ नहीं होने देंगे। बस लेकिन इतना फ़र्क है कि जो हम काम 7 दिन में करते थे वो अब जो है हम 5 दिन में करेंगे और जो हमारी मार्केट है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक खुली रहेगी और सैटरडे संडे को जो है हमारा वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। हमारी सारी वेयर हाउस की दुकानें जो है बंद रहेंगी और आपके माध्यम से दुकानदारों भाइयों को सूचित किया जाता है और मंडे सुबह 8 बजे हमारी मार्केट खुल जाएगी। और एक और सूचना आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि जिस तरह आपदा की घड़ी में आपने देखा होगा पहली लहर और दूसरी लहर में जब भी जम्मू के अंदर आपदा की घड़ी आई है तो ट्रेडर फेडरेशन हमेशा आगे बढ़ के आई है आगे। और दूसरी लहर में हमने 3 वार रूम बनाए थे और ऑक्सीजन वार रूम, राशन वार रूम और मेडिसिन वार रूम। और इसी के लिए देखते हुए जो हमने एडवाइजरी कमेटी में ये फैसला किया है, हम इसको रिव्यू करेंगे। भगवान ना करे कि तीसरी लहर में इसकी कोई ज़रूरत पड़े। अगर फिर भी किसी जम्मू वासियों को दुख की घड़ी में और इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे 3 वार रूम खुले हैं
ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को चाहिए तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, किसी को राशन चाहिए राशन मिलेगा, अगर किसी को मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन मिलेगी। एक ही मकसद है कि दुख की घड़ी में, आपदा की घड़ी में हमने जम्मू की जनता को बचाना है, समाज से ऊपर उठ के हमने कार्य करने हैं। आखिर जब हम कोई चीज़ बंद करते हैं उसका नुकसान व्यापारियों को होता है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमने जम्मू की जनता को कैसे बचाना है। ये महत्वपूर्ण विषय है। इसके आप सबका धन्यवाद। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से बुलाई थी और सबको ये सूचित करते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन जो है हमारा 3 हफ्तों के लिए जारी रहेगा और हमारे जो 3 वार रूम है, ऑक्सीजन वार रूम, राशन वार रूम और मेडिसिन वार रूम, ये जारी रहेंगे। जिसको भी कोई ज़रूरत पड़ती है वो हमारी फेडरेशन में कनेक्ट कर सकता है। धन्यवाद आप सबका।